डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ाई थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर स्टूडेंट? तो अब मैं आज बताने जा रही हूँ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या बताने जा रही हूँ स्टूडेंट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर स्टूडेंट? क्या कर रहे हैं आज हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके बताई थी. जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये इक्वेशन, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा. ये मैंने देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. जब मैंने आपकी क्लास ली थी उस टाइम भी मैंने आपको ये समझाया था. तो जरा ध्यान से इक्वेशन देखिएगा स्टूडेंट क्या है. ये मैं दोबारा आपके सामने इक्वेशन ला रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए. दिस इज, ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. देखिएगा क्या थी इक्वेशन आपकी, ध्यान से देखो बेटा. ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू माइनस के टी. ये थी आपकी स्टूडेंट. क्लियर हुआ कि नहीं? ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू माइनस के टी. ठीक है कि नहीं? अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ. देखिएगा जरा ध्यान से, ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जनरली हम ग्राफ खींचते हैं. ठीक है कि नहीं? जितने भी हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं उनके लिए. तो अब जरा ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन है. ठीक है कि नहीं? इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ. क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपकी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. तो देखो y एक्सिस पर आपका क्या आएगा स्टूडेंट? ln a. देखिएगा ठीक से, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या बता रही हूँ मैं. y एक्सिस होगी आपकी, ये कौन सी होगी? x एक्सिस. तो y एक्सिस पर आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट? ln a. ठीक है कि नहीं? और आपका x एक्सिस पर क्या आता है? टाइम. ये आपने टाइम ले लिया. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिएगा, y एक्सिस पर आपका है ln a, x एक्सिस पर आपका आ गया है t. ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन आगे साइन कौन सा है आपका? नेगेटिव. ध्यान से देखिएगा, अगर पॉजिटिव हो तो नीचे से ऊपर, और अगर आपका नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे. ये देखिएगा, ये आपका ग्राफ बन रहा है कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए. पता लगा बेटा? माइनस साइन वैसे भी आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है. ठीक है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो आपका क्या आएगा यहाँ पर? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आपका यहाँ पर ये ग्राफ जाएगा नीचे से ऊपर, नहीं ऊपर से नीचे. ठीक है, इस पॉइंट पर आपकी क्या वैल्यू होगी जल्दी से बताइएगा, क्या होगा? ln a नॉट. ठीक है, और अगर आपसे स्लोप पूछा जाए ग्राफ का कि स्लोप क्या है, तो देखो कि x के साथ ये जो आपका m है ये किसको इंडिकेट करता है? स्लोप को. तो व्हाट इज स्लोप? माइनस k. व्हाट इज इंटरसेप्ट? ln a नॉट. तो क्या कहेंगे आप इस ग्राफ में? स्लोप इक्वल टू क्या है आपका? माइनस k. व्हाट इज इंटरसेप्ट? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्राफ के अंदर इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट इक्वल टू ln a नॉट. ठीक है, तो एक ग्राफ आपका ये है. ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पर जनरली आपके लिए दो ही ऑर्डर हैं आपके सिलेबस में प्लस टू के में, दैट इज़ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है स्टूडेंट, तो आपके जीरो ऑर्डर के जो ग्राफ हैं उनमें हम लॉग या एलन का यूज़ नहीं करते हैं, और जो आपके फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हैं, ठीक है कि नहीं, उनमें आपका किसका यूज़ होता है? एलन और लॉग का. तो इससे आपको हिंट मिल जाता है कि इक्वेशन आपके कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की है. क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये मैंने जैसे आपको फर्स्ट ग्राफ बताया, समझ में आया? तो आप देखो क्या इक्वेशन थी आपकी. देखो ये फर्स्ट ग्राफ हो गया आपका. अब सेकंड ग्राफ देख लीजिएगा, इसी से हम एक इक्वेशन और रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं आपको. क्या थी इक्वेशन? ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट. क्लियर स्टूडेंट? ये आपका दूसरा, जैसे ये सेम इक्वेशन मैंने दोबारा उठाई आपकी. देखो अब ln, मैंने आपको पहले भी बता दिया ln या log e, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको ln या log e सेम होता है, और ln की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2.303 log 10. हो गया कि नहीं स्टूडेंट? तो यहाँ ln की जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा. क्या लिखेंगे? 2.303 log 10. ठीक है, ये आपका a आ गया इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln की जगह क्या लिख दिया? 2.303 क्या आ जाएगा आपका? log 10 a नॉट. समझ में आया स्टूडेंट? अब देखो अगर हम दोनों तरफ आपका 2.303 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा आपका? 2.303 log 10 a इक्वल टू माइनस के टी. डिवाइड कर रही हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कर दिया 2.303 माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस 2.303 अपॉन 2.303 log 10 a नॉट.
क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, तो आपका क्या बचा? log tan a इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस ए नॉट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिएगा, अब आप देखो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं अगेन किससे? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किससे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये फिर से आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये फिर मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। y एक्सिस पर आपका क्या आ रहा है? log a। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट? क्या आ रहा है y एक्सिस पर आपका? log a, ठीक है ना। x एक्सिस पर आपका क्या आ रहा है? t। ये x एक्सिस पर आपका क्या आ गया स्टूडेंट? t। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर फिर से आपका साइन कैसा है? नेगेटिव, ठीक है कि नहीं? ग्राफ, सॉरी, ये क्या है आपका यहाँ पर? t। ये आपका log a और किसके बीच ग्राफ है बेटा? t के बीच, ठीक है ना। तो अब आपका ध्यान से देखना है, यहाँ पर फिर से आपका साइन कैसा है? नेगेटिव। तो ग्राफ बताओ, स्ट्रेट लाइन है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट? क्योंकि साइन कैसा है आपका? नेगेटिव, ठीक है। अब आपका स्लोप देखिएगा, क्या होता है आपका स्लोप? ये देख लो, ये आपका एम, ये क्या हो गया स्लोप? क्या है? माइनस के अपॉन 2.303। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट? स्लोप। व्हाट इज इंटरसेप्ट? क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट आपका? लॉग टेन ए नॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, स्लोप इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा लॉग बेस टेन ए नॉट। हो गया स्टूडेंट क्लियर? तो ये मैंने आपको सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कई बार बेटा ग्राफ दिए होते हैं और ग्राफ से आपने स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना, और रिएक्शन का ऑर्डर बताना होता है। तो जनरली मैंने आपको बता दिया ln या log जहां पर आपका रिप्रेजेंट होता है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। अब जरा हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, एक क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन दिया है फॉर ए केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ln a वर्सेस टाइम, प्लॉट इज शोन बिलो। ये आपका ग्राफ दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये ग्राफ दिया है यहाँ पर ln a वर्सेस t के बीच, और ये इस तरह से आपकी लाइन खींची हुई है, ठीक है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब ये आपका ग्राफ है, अब इस ग्राफ के बिहाफ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, कि ग्राफ शोन बिलो है, इसके आंसर दीजिए इस ग्राफ के लिए फॉर दिस रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट पूछा उन्होंने, अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले आपको, What is the order of the reaction? पहले ग्राफ को देख के आप बताओ order of reaction क्या है। Second question देख लीजिएगा आपका क्या है, second question, What are the units of rate constant for this reaction? रिएक्शन के लिए यूनिट्स बताइए रेट कांस्टेंट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं स्टूडेंट हम, ध्यान से देखिएगा, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड के फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। के और टी हाफ के बीच रिलेशनशिप बताना है। टी हाफ पता है ना स्टूडेंट, पीछे पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, हाफ लाइफ पीरियड, और के दैट इज रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं इफ द, ये आपको सारे क्वेश्चन हैं आपके, अब देखो एक ग्राफ के बेस पर कितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन बिकम हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, हाउ विल इट वेरी। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका क्वेश्चन हो गया फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप
of line indicate? What does the slope of line indicate? ये आपका fifth question बन गया है. ये आपका last question देख लीजिएगा, sixth है. Draw the plot of log a naught versus a naught upon a versus time for the reaction. For the reaction, ठीक है ना स्टूडेंट. तो अब जरा वन बाय वन इन क्वेश्चन के हम क्या देखेंगे, आंसर. ये पूरा आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर आपका बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो समझ में आ जाएं. चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्या है आपका पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ये जो आपकी ग्राफ दिया है इसके बेस पर आप बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा. ln a वर्सेस t, पहले तो आपको मैंने हिंट दे दिया था कि जहां ln आ जाए या log आ जाए वो आपकी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है? फर्स्ट ऑर्डर की. क्लियर स्टूडेंट? तो हम बोलेंगे पहले का आंसर देखिएगा आपका क्या होगा. रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है आपकी? फर्स्ट ऑर्डर. बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ बताया, बिकॉज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहेंगे बेटा आप? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ln a, ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए बेटा. ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट. क्लियर स्टूडेंट? ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट. ठीक है, तो देखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है. और अगर हम इस ग्राफ को भी ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ किसके बीच है आपका? ln a और t के बीच. क्लियर स्टूडेंट? किसके बीच ग्राफ है आपका? ln a और t के बीच आपका ग्राफ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा. ठीक, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, जरा देखिएगा. ये आपका ln a कौन सी एक्सेस पर आ गया? y. और आपका mx प्लस c, ये देखो x एक्सेस पर क्या आ गया आपका? t. ये देखो ग्राफ को फिर से ध्यान से. ln a कौन सी एक्सेस पर गया आपका? y एक्सेस पर. x एक्सेस पर आपका क्या आ गया स्टूडेंट? t. ठीक है कि नहीं? तो आपका स्लोप क्या बनेगा बताइएगा इस इक्वेशन का. व्हाट इज द स्लोप? इक्वल टू माइनस के. व्हाट इज द इंटरसेप्ट? इज इक्वल टू ln a नॉट. यहाँ पर ये देखो इस पॉइंट पर क्या आएगा आपका? ln a नॉट. एंड व्हाट इज द स्लोप? क्या आएगा स्लोप इसके लिए स्टूडेंट? माइनस के. समझ में आया इक्वेशन को देख के कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ln आपको इंडिकेट करता है या हिंट देता है कि इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, क्योंकि दो ही ऑर्डर आपके प्लस टू के सिलेबस में है, दैट इज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्लियर हुआ आंसर बेटा, कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर. क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट. क्लियर स्टूडेंट? चलिए सेकंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. अब जरा सेकंड पे अच्छे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. सेकंड क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस कीजिएगा. क्या था आपका? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? क्या ये निकालनी है आपने? यूनिट्स ऑफ के. तो मैंने के का फॉर्मूला आपको बेटा पीछे पढ़ाया था, याद कीजिएगा. मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका क्या निकालने का? यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट. यहां n क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ध्यान से सुनिएगा, क्या रिप्रेजेंट करता है n आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो k इक्वल टू, आपने रिएक्शन पहचान ही ली है ln a वर्सेस t के ग्राफ से. ठीक है ना, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है आपकी? फर्स्ट ऑर्डर की. तो आप लिखोगे मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1, सेकंड इनवर्स. तो ये आपका पावर 0 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू ही आपकी 1 हो जाएगी. तो k की यूनिट आपकी आ जाएगी बेटा सेकंड इनवर्स. क्या यूनिट आ जाएगी के की आपकी बेटा? सेकंड इनवर्स. समझ में आया कि नहीं? तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गई के की वैल्यू. अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगी ताकि आपको समझ में आते जाएं क्या बता रही हूँ. चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा. गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड के फॉर दिस रिएक्शन. टी हाफ एंड के फॉर दिस रिएक्शन. ध्यान से देख लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन पे आपका आ रहे हैं हम. आपको मैंने पहले भी बताया था फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड निकाल के दिखाया था बेटा.
फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ पीरियड में निकाल के दिखा चुकी हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए ऑर्डर आपका फर्स्ट है. तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के. ये मत सोचिएगा मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपका प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर में, ध्यान से देख लीजिएगा. ऑर्डर पता होना चाहिए आपको. तो टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन के. क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब चलिए जरा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है जरा ध्यान से देखो. इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन बिकम्स हाफ, हाउ विल इट वेरी? ठीक है, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दें, हाफ कर दें, ठीक है कि नहीं? हाउ विल इट वेरी, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन बिकम हाफ, हाउ विल इट वेरी? कितना कर दिया कंसंट्रेशन, ए नॉट बाय टू, समझ गए? ए नॉट बाय टू करने का मतलब टाइम आपका आ गया है टी हाफ. ठीक है, कंसंट्रेशन जब आपका हाफ हो जाता है तब रिएक्शन आपकी हाफ कंप्लीट हो जाती है. मीन्स हम टी हाफ की बात कर रहे हैं. तो बताओ टी हाफ कहीं आपको दिख रहा है कि ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है? ये फॉर्मूला है टी हाफ का आपके सामने, तो आपको दिख रहा होगा कि टी हाफ का ए नॉट से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है कि नहीं? ध्यान से सुन लीजिएगा. तो आप फोर्थ का आंसर क्या लिखेंगे? नो चेंज इन कंसंट्रेशन. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नो चेंज इन कंसंट्रेशन बिकॉज हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट. वहां भी लिखवाया था मैंने आपको इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. पता लग गया ना स्टूडेंट कैसे इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से? ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, कहीं आपको ए नॉट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट. ठीक है कि नहीं? कहीं पर भी आपको हाफ लाइफ रिप्रेजेंट, हाफ लाइफ में देख लीजिएगा, ए नॉट कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा. मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो टी हाफ पर आपका कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है. ठीक है, इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ पीरियड ए नॉट से. क्लियर? ये फॉर्मूला ही आपको इस बात को रिप्रेजेंट कर दे रहा है. अब आपका फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा, जरा फिफ्थ पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा. व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट? पीछे ही बता दिया था मैंने आपको. व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट? जरा ग्राफ पे ध्यान दे लीजिएगा दोबारा से. ये देखिएगा, ये आपका ग्राफ है. ठीक है कि नहीं? तो आपका ग्राफ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको स्लोप बताया था क्या हो जाएगा, माइनस के. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट. आप आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस के. क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस के. अब आपका लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. आपको बोला है ड्रॉ द प्लॉट. किसके बीच में प्लॉट करना है आपने ध्यान से देखिएगा. लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम के बीच. इसके बीच बेटा ए नॉट वर्सेस ए अपॉन टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था रेट कांस्टेंट का, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए. दिखवाया था ना स्टूडेंट के का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, आपको मैंने ड्राइव करके दिखाया था. ठीक है कि नहीं? तो देखिएगा आपका क्या बन जाएगा, ये के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट बाय ए. ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको आप? लॉग ए नॉट बाय ए, अगर कंसंट्रेशन टर्म में लेना हो तो ऐसे भी ले सकते हैं आप. ठीक है कि नहीं? लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू आपका के टी अपॉन 2.303. क्या हो गया स्टूडेंट्स? के टी अपॉन 2.303. तो देखिएगा ये आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है स्टूडेंट्स? क्या लिखा मैंने? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं किससे? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से. और दोनों के बीच क्या प्लॉट कर देंगे? आपका ग्राफ. ठीक है कि नहीं? तो ग्राफ देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका. y एक्सिस पर क्या आ गया? ये आपकी y एक्सिस क्या है स्टूडेंट्स? log a नॉट बाय a. ठीक है स्टूडेंट? और यहाँ पर आपका क्या आ गया? x एक्सिस पर क्या आ गया बेटा? t. क्या ले लिया आपने? x एक्सिस पर t. ठीक है कि नहीं? तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. तो देखो log a नॉट बाय a और t के बीच ग्राफ है आपका. समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव नहीं है, जैसे पिछले ग्राफ्स में आपने देखा था नेगेटिव साइन था. तो कहाँ जा रहा था आपका? ऊपर से नीचे, स्ट्रेट लाइन. ठीक है कि नहीं? यहाँ आपका क्या है? पॉजिटिव साइन है आगे. पॉजिटिव तो कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर, स्ट्रेट लाइन.
समझ में आया स्टूडेंट? तो m आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। तो आपका स्लोप क्या बन जाएगा इक्वेशन का स्टूडेंट? स्लोप इक्वल टू k अपॉन 2.303, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, स्लोप इक्वल टू k अपॉन 2.303। तो आज मैंने आपको लगभग फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी ग्राफ थे वो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं बेटा, जो आपके पेपर में आते हैं। समझ में आया ना? तो ये इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए भी आ सकता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। तो ग्राफ से आपने फाइंड आउट करना होता है कि ऑर्डर क्या है इक्वेशन का। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट्स।